नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबरों। मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। एप्पल कंपनी हर बार की तरह इस बार भी अपने जो फैंस हैं या उनके जो कस्टमर मान लीजिए, उनके लिए बेहतरीन तोहफे लेके आई है। क्योंकि इस बार जो हाल ही में एप्पल का यानी मंगलवार को इवेंट हुआ है, उस दौरान उन्होंने अपने 3 आईफोन, आईपैड, एप्पल टीवी प्लस और उसके साथ में गेमिंग जोन की सर्विस को लॉन्च किया है। वैसे में बातचीत करेंगे जो एप्पल टीवी प्लस है, क्या है ये, क्या इसमें खासियत है, पहली बार ऐसा हुआ है जब एप्पल टीवी प्लस की कोई सर्विस सामने आने वाली है, क्या इसमें नए फीचर्स हैं या कस्टमर को इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, वो सब बातचीत इस वीडियो के जरिए करते हैं। तो आइए जानते हैं कि एप्पल टीवी प्लस की खासियत क्या है। इसमें जिस तरीके से नेटफ्लिक्स और डिज्नी के प्लेटफॉर्म हैं सर्विस के लिए, वेब सीरीज़ आदि उस पर देखा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार अब एप्पल टीवी पर, एप्पल जो टीवी प्लस है इस पर एप्पल मूवी, वेब सीरीज आदि देख सकते हैं। बता दें कि नवंबर से यानी 2 महीने बाद से इसकी सर्विस जो सेवा है वो शुरू कर दी जाएगी। अगर आप कोई नया आईफोन या आईपैड या एप्पल टीवी खरीदते हैं तो आपको 1 साल के लिए इसका सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो वहीं अगर इसके पहले महीने के सब्सक्रिप्शन प्लान की बात की जाए तो वो $4.99 होगा, जो कि भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब 300 रुपये के आसपास होगा। सबसे बड़ी और सबसे अलग बात इसकी मैं बता दूं आपको कि इसका कोई प्रचार कहीं नहीं किया जाएगा। कंपनी ने साफ कह दिया है, जो कंपनी की CEO हैं टीम को, उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐड नहीं किया जाएगा। सर्विस जैसे ही लॉन्च होगी वो डायरेक्ट आएगी। अगर आपको सर्विस लेनी है तो उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन लें। अगर सबसे अच्छा ऑफर इसमें यही है कि आप अगर कोई नया आईफोन लेते हैं या कोई भी एप्पल का कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको खरीदते हैं तो आपको 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। हालांकि अभी इस जो एप्पल टीवी प्लस पर क्या कंटेंट दिखाया जाएगा उसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, कोई ऑफिशियल तरीके से बताया नहीं गया कि किस तरीके, लेकिन ये तो कंफर्म है कि इस पर फिल्में और आप बच्चों के लिए गेम, साथ ही साथ नई तरीके की चीज़ें देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।